अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, इट्स मी फारूक बदारिया। तो जी, आज हमारी फैमिली की है दावत, सब गाड़ी में बैठ गए, मेरा वेट कर रहे हैं और मैं। हाँ तो जी, शूज मैंने ले लिए और अभी हम इसको बैठ के पहनेंगे और फिर निकलते हैं बाहर। तो जी, शूज पहन लिए और अब निकलेंगे हम, गाड़ी में बैठेंगे। और ये देखें, अब्बू की गाड़ी में जा रहे हैं। जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कोको चैन। ये देखें, हाँ तो जी, हम आ गए फैमिली की दावत से होके और अभी यहाँ पे आएंगे घर पे और अभी हम गाड़ी लगाएंगे। हाँ तो ये देखें, हमने अपनी गाड़ी लगा दी और ये अब्बू अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। इस तरह जो है कुछ गाड़ियाँ लगती हैं एक एक करके, और एक गाड़ी हमारी खड़ी होती है बाहर, वो अम्मी की गाड़ी है ये। और अभी हम घर जाएंगे, पहले कॉफ़ी पियेंगे फिर चेंज करेंगे। बस अभी ऊपर जाके कॉफ़ी बनाते हैं। कौन सी बनाएंगे, गैस करें आप लोग? दुबई से लाए हो टिम हॉर्टन्स। और देखें, अभी मैं कॉफ़ी पीने का टाइम आ गया, वही कॉफ़ी जो मैं दुबई में पीता हूँ, अभी पीऊँगा टिम हॉर्टन्स कॉफ़ी बार। ये देखें, उधर भी कॉफ़ी, उधर भी कॉफ़ी, सब कॉफ़ी कॉफ़ी। ये हमारा कॉफ़ी स्टेशन। वैसे तो आपको नेस्प्रेसो मशीन दिखाया, उसमें पॉट लगते हैं शॉट्स के लिए, पर ये पाउडर है तो इसका मुझे शॉट बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेसो शॉट। तो पहले इसका एक्सप्रेसो शॉट बनाऊंगा, फिर इसको ब्लेंडर में डालूंगा, फिर आइस डाल के क्रश करके कोल्ड कॉफ़ी अभी आपको दिखाता हूँ कैसी बनेगी। कॉफ़ी हो गई रेडी, अभी विप क्रीम लेके आ रही है मेरी सिस्टर, तो मैं उस पर विप क्रीम डालूंगा और सेटअप है ना पूरा। जो ये कॉफ़ी बार बन रहा है, ये मेरी सिस्टर का, क्योंकि ये मेरी सिस्टर्स का है, मेरी सिस्टर का है, इसको बहुत कॉफ़ी की शौक है। तो हमने इसमें डाला है, इसको बनाने के लिए बस इसकी अपनी रेसिपी यूज़ करनी होती है, ठीक है? और बिल्कुल सेम एज इट इज टेस्ट होता है इसका, जो आपको वो लोग फ्रेंचाइज पे देते हैं बना के खुद, सेम आप घर में ही बनाओ तो सेम एज इट इज टेस्ट बनेगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है इसका। और दूसरा, इसके अंदर हमने सिर्फ ये फ्रेंच वैनिला सिरप साथ में ऐड किया है, ये है मॉर्निंग का, और बस। और इसको आइस डाल के क्रश करके ब्लेंड कर लिया है, कॉफ़ी इज रेडी। और आप उस पर विप क्रीम डालेंगे, टेस्ट एकदम सेम होता है।
टिम हॉर्टन्स का है ना, मैं फैन हूँ यार। ये अपना इसका कॉफ़ी का जार भी बहुत एक्सपेंसिव है, 70-80 दिरहम्स तक का मिलता है। उसमें बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है। 60 दिरहम्स से तो ऊपर का है, 60 से ऊपर का, लेकिन इसकी वर्थ है। मतलब इस एक जार के अंदर 9 ग्लास बनते हैं, ठीक है, ऐसे 9 पूरे 9 बनेंगे एक जार के अंदर। और ये तकरीबन पाकिस्तानी 5,000 रुपये का जार है, जिसमें आप सिर्फ 9 बार कॉफ़ी पी सकते हो। तो मेरे लिए इसकी वर्थ है, वर्थ। मैं तो इसके लिए और पैसे भी दूँ, मैं इसका फ़ैन हूँ यार। क्या कॉफ़ी है, वाह भाई वाह। हाँ तो जी, अब आप देख रहे हैं कि मैं दावत से हो के आ गया, आके कॉफ़ी बनाई और टिम हॉर्टन्स आप लोगों को मैंने दिखाई बनाते हुए, फिर उसका रिव्यू भी दिया कैसी लगती है। मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि मतलब हमें जो वहाँ पे वो लोग जो बना के देते हैं फ्रेंचाइज के ऊपर, तो सेम ऐसी होगी या नहीं होगी। तो टिम हॉर्टन्स जो है ना, उसकी एक्सपेंसिव होने की वजह नॉर्मल कॉफ़ीज़, मतलब किसी से भी, स्टारबक्स हो, नेस्प्रेसो, किसी से भी, उससे सबसे एक्सपेंसिव है। उसकी वजह ही ये है कि ये जो आपको उधर देता है ना टेस्ट काउंटर पे, वही आपको टेस्ट बॉक्स में देता है। आपको घर में आके भी वही टेस्ट मिलेगा सेम। तो बस आपने उसको, उसके जो पीछे की रेसिपी है उसको फॉलो एज ए टेस्ट करना है, ठीक है। और इसकी टिम हॉर्टन्स की जो है एवरग्रीन फ्रेंच वेनिला, यही इसकी बहुत मशहूर है, फेवरेट है। तो इसके लिए अगर आपके पास फ्रेंच वेनिला सिरप हो तो उसके साथ और अच्छी लगती है। मेरे पास था, मैंने आपको दिखाया। तो बस अब मैंने वो पी लिया, फिर अभी शावर ले लिया और अब मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, इशा की दावत में गया था। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम सोएंगे। तो आज मैंने आपको यहाँ पे अपने फैमिली का भी थोड़ा सा गेट टुगेदर का व्लॉग बना के दे दिया। तो बस अब भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।